चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन और देखते हैं अब आगे हम कौन सी। आज हम फिर से सदर बाजार जाने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया है, तो उसकी वजह से आज हम इसका खारी बावली का और सदर बाजार का आज पार्ट टू बनाएंगे और देखते हैं आज हम क्या लेंगे शॉपिंग में, जो पसंद आएगा आज वो खरीद लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस। मार्केट में घूम रहे हैं। इस मार्केट का नाम किनारी बाजार मार्केट है, चांदनी चौक में कांटे वाली गली से अगर आप चढ़ लोगे तो सीधे किनारी बाजार मार्केट में। यहाँ पर आपको जैसे लहंगे वगैरह होते हैं या फिर साड़ी वगैरह होते हैं, जूते वगैरह होते हैं या फिर माला वगैरह के मोती वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो आप आके यहाँ से ले सकते हैं। ये लग गया खाने के लिए भुक्कड़, जब देखो बस भूख 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 लगी रहती है गाइस। वैसे हम पराठे वाली गली में हैं इस टाइम पर, और पराठे वाली गली में हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये है शर्मा भोजनालय और यहाँ पर हमने एक प्लेट गोभी नान ली है और एक प्लेट हमने ली है मिस्सी रोटी नान, और ये शाही पनीर के साथ में, छोले के साथ में, रायते के साथ में लगा पड़ा है भूखा खाने में। ये देखो लगा पड़ा है बस गाइस। ये मिस्सी रोटी मेरे पल्ले पता नहीं कहाँ से पड़ गया, ये भूखा इंसान मुझे रहा नहीं गया, मैं खा रहा हूँ। मज़ा आ रहा है वैसे, आज का वीकेंड बहुत अच्छा जाने वाला है हम लोगों का, सैटरडे का थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। भाई कम है ये चांदनी चौक मार्केट में, आप देख सकते कितनी भीड़ है यहाँ पे। बिसहारी भाई, बिस्लरी मांगी थी? नहीं ये बिसहारी है। और मेरे को लग रही बहुत तेज मिर्च कचौड़ी खाने के बाद में, और ये मेरे को पानी नहीं लेने दे रहा था बिल्कुल, ये कसम से मारने का मन करता है भाई। पानी भी पहले पानी, चांदनी चौक में डुप्लीकेट माल मिला हमें बिसहारी बिस्लरी की जगह। लगता है हैरी भाई सब छोड़ के चले गए थे, ये तो बिसहारी बन गया। बिसहारी ये देखो भाई, विशाल भाई कौन सी गुप्त गली में घुस गए हैं भाई, पता नहीं चल रहा है ये घर वर में घुस जाए किसी के। भाई घर में नहीं घुसना, मार्केट चलना हमें। देख रहा है घर में घुस रहा था, तो ये घर नहीं है गली है, और अंदर घर भी है भाई, रहते हैं लोग। चल भाई क्यों मार्केट से ही आएगी भाई गली। चलो बाइक सारी।